सीधी में कांग्रेस ने सरकार की नीतियों के खिलाफ रैली निकाली। कांग्रेस नेताओं ने अपर कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर विंध्य क्षेत्र की उपेक्षा किए जाने का आरोप लगाया और कहा कि लोगों को खुश करने के लिए राज्य सरकारें सिर्फ इवेंट करती हैं, धरातल पर इसका कोई फायदा आमजन को हासिल नहीं है। हाई प्रोफाइल आत्माराम पादरी हत्याकांड में पिछले 3 महीनों से फरार सब इंस्पेक्टर रामवीर सिंह कुशवाहा की चल अचल संपत्ति को कुर्क करने के आदेश जारी किया गया है। मामले में गुना जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश रविंद्र कुमार भद्रसेन ने गुना एवं शिवपुरी कलेक्टर को आदेश दिया कि फरार सब इंस्पेक्टर रामवीर सिंह कुशवाहा की संपत्ति कुर्क की जाए। बता दें कि फरार सब इंस्पेक्टर को 30 दिन की मोहलत दी गई थी और उसे 4 मार्च तक कोर्ट के समक्ष उपस्थित होना था, लेकिन सब इंस्पेक्टर ने कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना की। विशेष न्यायाधीश ने गुना कलेक्टर को आदेश दिए हैं कि आरोपी की सोनी कॉलोनी स्थित मकान और वाहनों को कुर्क कराने की प्रक्रिया शुरू करें।